ASN24 पल पल की खबर। बलौदा बाजार जिले में आज बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े के अगुवाही में सीएम भूपेश बघेल और नगरीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का पुतला फूंक कर अपना प्रदर्शन किया। मंत्री डहरिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में घटित मामले को छोटा कहने को लेकर वहीं कांग्रेस की ओर से मौन रखकर धरना दिया गया। हाथरस में हुए घटना को लेकर सीएम योगी पर भी पीड़ित परिवार के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर वहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा भी केंद्र सरकार के कृषि बिल और हाथरस में हुई घटना को लेकर धरना देकर कलेक्टर परिसर तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ और हाथरस में हुई घटना को लेकर एक दूसरे की सरकार पर तंज कसते नजर आए, साथ ही अपने पार्टी के नेताओं के बचाव में खड़े दिखे। अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और बलात्कारियों को सह देने का जो जिस प्रकार की, चाहे उत्तर प्रदेश के भी ताज़ा घटना हाथरस की घटना है जिसमें योगी जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस का सहारा लेकर बहन वाल्मीकि, जो समाज का मनीषा जिसका नाम है, उनके साथ जो रेप हुआ, उनका निर्मम हत्या हुआ और उनके डेड बॉडी को भी बड़ा अजीब तरीके से पूरे देश के अंदर में जो नियम से हटकर उनको जो है रात में उनका दाह संस्कार किए, और जिसमें आप सभी पत्रकार, जो देश के पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसको आप लोगों ने इस देश के तमाम लोगों को जानने का अवसर दिया और उसके बाद ही हम लोगों को पता चला। तो इसका विरोध हम लोग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इसका निंदा करते हैं। योगी जी की जो नीति है वो नीति बहन बेटियों की सम्मान नहीं, उनकी हथियारों के को पक्ष में उनका निये है, तो उसका निंदा करते हुए हम लोग उनको उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। ये आज की हमारी मुद्दा है। छोटी घटना नहीं कहा है उन्होंने, घटना के बाद जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था और हमारे कुछ साथियों ने उनको तोड़ मरोड़ के उनको पेश किया गया, तो मंत्री जी ने इस बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है। छोटी घटना कहीं पर उन्होंने नहीं कहा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि अगर उनको पुतला जलाना है तो योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाना चाहिए, उनको पुतला जलाना है तो नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाना चाहिए, जिन्होंने दुष्कर्म की पीड़िता स्त्री को जिंदा, मतलब पेट्रोल डाल के जला दिया, उनके शव को भी उनके परिजन को नहीं सौंपा, तो अगर उनको पुतला जलाना है तो उनका जलाना चाहिए। हमारे मंत्री शिव डहरिया जी ने दुष्कर्म को छोटी घटना नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में जिस इस घटना के खिलाफ सरकार तत्काल कड़ी कार्रवाई कर रही है, तत्परता से कार्रवाई कर रही है, और जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हो रहे हैं, परिजनों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और एक आतंकवादी शासन जो हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में ही आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जब किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती तो मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। ये मौन जो है इसको आप छोटा मोटा मत समझिए, ये मौन सत्याग्रह इसलिए है कि सरकार बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, सुन नहीं रही है, तानाशाही में और लोकतंत्र को कुचलने की तैयारी में है, और जहां महिलाओं की, बहनों की इज्जत सुरक्षित ना हो ऐसे राज्य के लिए शर्मनाक बात है। अगर भारतीय जनता पार्टियों में जरा भी शर्म है तो वो भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाएं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में युवा मोर्चा के माध्यम से शिव कुमार डहरिया का पुतला जलाया जा रहा है, एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए, ऐसा कृत्य करोगे, ऐसा बेटियों का हमारे अपमान करोगे तो निश्चित ही सहन नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आम नागरिक। केएसएन 24 न्यूज़ के लिए बलौदा बाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।